भारत जोड़ो 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 भारत जोड़ो 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 भारत जोड़ो 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 भारत जोड़ो जोड़ो जोड़ो। सर भारत जोड़ो यात्रा को आज एक साल पूरा हुआ है और फिर वही एनर्जी वही लेवल एक बार फिर कार्यकर्ताओं में जोश फूंकने का काम आप लोग कर रहे हैं। अब चुनावी साल है तो चुनावी साल में एक नया बिगुल आपने फिर भारत जोड़ो यात्रा को याद करते हुए किया है। आज देखिए भारत जोड़ो यात्रा ऐतिहासिक यात्रा थी इस देश की, जिसको राहुल गांधी जी ने कन्याकुमारी से शुरू करके कश्मीर तक किया था और लगभग 4,500 किलोमीटर की यात्रा ही हुई थी। पहले 4,000 की थी लेकिन चलते चलते कई रूट बढ़ते गए और लोगों ने अपनी तरफ मोड़ते हुए और 4,500 किलोमीटर इस यात्रा को चलाया। एक संदेश जो पूरे देश के अंदर गया वो ये था कि राहुल गांधी जी की जो छवि भारतीय जनता पार्टी बनाना चाह रही थी वो छवि जनता के सामने आ गई। जनता ने खुद अपनी आंखों से राहुल गांधी को देखा, अपने दुख दर्द राहुल गांधी जी को बताए और एक ऐसा महसूस हुआ जैसे कि वो परिवार का मुखिया है और हम अपने दुख दर्द उनको बताएं। क्योंकि जब से केंद्र के अंदर बीजेपी की सरकार आई है तब से आम जन की कमर तोड़ने का ही काम भारत सरकार के द्वारा किया जा रहा है। यही कारण रहा कि लोग कांग्रेस को वापस याद करने लगे। कांग्रेस के वो कानून जो ये कहते हैं 70 साल में कुछ नहीं किया, जो आम जनता के लिए बने थे, चाहे वो भूमि अधिग्रहण कानून हो, चाहे एक्ट्रोसिटी कानून हो, चाहे किसानों के कानून हो, ये सारी जो व्यवस्थाएं कांग्रेस के समय में थी वो आज सब लोगों को अच्छी लगने लग गई हैं। बीजेपी का चेहरा लोगों की समझ में आ गया है। इन्होंने जो वादे किए थे 2 करोड़ युवाओं को रोज़गार, 15 लाख खाते में, 100 दिन में कालाधन, बेरोजगारी, महंगाई, आतंकवाद, भ्रष्टाचार सब खत्म करने की बातें, भारत को विश्व गुरु बनाने की बातें, डॉलर रुपया बरोबर करने की बातें, वो सब जनता के सामने आ गई। ये कुछ कर नहीं पाए बल्कि जनता को आपस में ही हिंदू मुस्लिम में, एससी जर्नल में, कास्टों के बीच में, आदिवासी गैर आदिवासी, कहीं मराठा गैर मराठा, इन सब में ही फंसा दिया। और जो जनता जो चाहती है उसकी तरफ कभी ध्यान नहीं रहा। एक कहावत है, जब बच्चा माँ को तंग करता है, पैसे मांगता है बार 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 बार, तो माँ उसको पैसे देने की बजाय उसको उठा के एक छीका बोलते हैं हमारे यहाँ जिसमें दूध को रखते हैं, उसमें बच्चे को बैठा देती है। फिर वो बच्चा जो है ना सिक्का मांगना तो भूल जाता है और वो कहता है माँ मेरे को नीचे उतार दो। वही स्थिति यहाँ देश के लोगों से कर रखी है कि देश को देना तो कुछ है नहीं, नई नई चीज़ों में उलझा दो जिससे कि पुरानी चीज़ों को भूल जाए और नई के लिए जनता रिक्वेस्ट करने लग जाए। भारत बनाम इंडिया, क्या यह भी ऐसा ही लगता है आपको? अब ये देख लीजिए आप सबके सामने, ये भारत जोड़ो यात्रा है जी। कांग्रेस ने भारत जोड़ो यात्रा निकाली है, यानी कि भारत का नाम तो पहले भी था। अंग्रेजों भारत छोड़ो से लेकर भारत जोड़ो यात्रा तक का जो सफर है, आज कहीं भी देश के अंदर अगर कोई कहता है कि मैं भारतीय हूँ तो कोई मनाही है, उसको चैलेंज करता है कि नहीं तुम भारतीय नहीं हो। नहीं, ऐसे में क्या लगता है इसमें भाजपा को क्या फायदा? भाजपा उलझाना चाहती है, मुद्दों से भटकाना चाहती है। आज देश का मुद्दा है महंगाई, आज देश का मुद्दा है बेरोजगारी, आज देश का मुद्दा है जिस प्रकार से नफरत फैल रही है, जिस प्रकार मणिपुर की हिंसा है, ये देश के मुद्दे हैं। देश का मुद्दा ये नहीं है कि हम भारत के लोग हैं कि इंडिया के लोग हैं। फिर तो तीसरा नाम हिंदुस्तान और है, फिर उसका भी कुछ सोचिए। एक देश इलेक्शन पर क्या कहना? देखिए एक देश एक इलेक्शन की जो ये करना चाह रहे हैं इनकी बनसाई गलत है। नए सभी पार्टियों को साथ ले रहे हैं, कोई अकेली बीजेपी पार्टी नहीं है इस देश के अंदर। इन 75 वर्षों में बहुत सी पार्टियां आई हैं, बहुत सी पार्टियां गई हैं, बहुत सी पार्टियां आज भी हैं। देश का संविधान जो कहता है कि सभी लोगों से बात करके, राय मशवरा करके या राज्यों के बहुमत के आधार पर आप इस चीज़ को तय करें, तो वो ये लोग उस मंशा नहीं है इनकी। आज तो ये ज़बरदस्ती जो है एक कोई कानून बना के देश के ऊपर थोपना चाहते हैं, तो वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए। इन्होंने CAA बनाया जी। कहाँ है वो कानून? आज 19 के अंदर बनाया था तो कोई बता दे कि CAA कानून आज कहाँ है? आज कोई कोई बताएगा ही नहीं। आज इन्होंने नोटबंदी की, 100% के लगभग नोट वापस आ गए, तो फिर काला धन कहाँ गया, जमाखोरी कहाँ गई? और आप 1,000 का नोट बंद करके 2,000 के नोट चला रहे हो और ये कह रहे हो कि इससे लोग मुनाफा करेंगे, तो फिर आप 2,000 के चला रहे हो, अब आप फिर वापस 2,000 के नोट बिना बात के वापस ले रहे हो। तो ये जो सारा पैसा खर्च हो रहा है ये कोई इनके माँ बाप का तो है नहीं।
या कि इनके दादा छोड़ गए हैं, वो तो है नहीं। ये टोटल पैसा इस देश की जनता के खून पसीने की कमाई है जिसको ये लोग उड़ा रहे हैं, ये गलत है। इस प्रकार की मंशा नहीं होनी चाहिए। संविधान जो है हम सबको बांधता है, हमको जोड़ता है, हमको एकजुट रखता है। बाबा साहब ने जो संविधान बनाया उसके अंदर ये सारी चीज़ें लिखी हुई है, भारत और इंडिया का मतलब भी लिखा हुआ है। आज उन सब चीज़ों को ये धीरे धीरे इनकी मंशा संविधान को कमज़ोर करने की है, इस संविधान को तोड़ने की है, तो वो मंशा मैं समझता हूँ कभी इनकी पूरी नहीं होगी। देश की जनता जान चुकी है, मौका आने पर इनको जनता बताएगी। चलिए आखिरी सवाल, क्योंकि प्रदेश में चुनाव हैं, दावा किया जा रहा है मुख्यमंत्री की तरफ से कि 156 सीटें, बात आती है 156 का फिगर कहाँ से आया, क्या 56 से जोड़कर इसको 156 बनाया गया? पहले 156 आ चुकी हैं कांग्रेस की, तो अब भी आएंगे, क्या दिक्कत है? तो फिर 56 से जोड़ करके ही अच्छा माहौल है, अच्छे काम किए हैं गवर्नमेंट ने, गरीबों के लिए काम किए हैं, गरीबों को पेंशन बढ़ाई है, चिरंजीवी का इलाज दिया है, दुर्घटना बीमा दिया है, आप अन्नपूर्णा किट दिए हैं, 500 में सिलेंडर दिया है, 125 दिन का मनरेगा दिया है, शहरी रोजगार गारंटी शुरू की है, महिलाओं को मोबाइल दिए हैं, बच्चों को अच्छी एजुकेशन दी है, इंग्लिश मीडियम स्कूल दिए हैं, रोज़ाना दूध दिया है, ड्रेस दी है, युवाओं को रोज़गार दिया है, उनको नौकरी दी है, इस प्रकार के काम जो किए हैं, आम जनता को बिजली के अंदर छूट दी है, किसान को फ्री बिजली दी है, किसान को फ्री ब्याज पर ऋण दिया है, तो ऐसे जो काम किए हैं जनता चाहती है कि अशोक गहलोत जी वापस आएँ, जिन्होंने जिला तहसील उपखंड कॉलेज स्कूल नई पंचायतें नई पंचायत समितियाँ बनाकर आम जनता को बहुत बड़ी राहत दी है, छोटे छोटे जो संसाधनों की उसको ज़रूरत थी वो उसको मुहैया कराए हैं। तो आज प्रदेश की जनता कह रही है कि अशोक गहलोत जी कांग्रेस की सरकार वापस रिपीट करे। और अभी आपने देखा होगा कल भीलवाड़ा की सभा के अंदर मैं था, किस प्रकार से लोगों के अंदर जोश था, सब लोग चाहते हैं कि कांग्रेस की सरकार वापस बने। अलवर ज़िले की अगर बात करें, 11 विधानसभाओं की बात करें, तो यहाँ पर कहीं कहीं ऐसा भी नज़र आ रहा है कि पार्टी में अंतरकलह गतिरोध है, कहीं ना कहीं प्रत्याशियों को लेकर, और कहीं बागी होने की संभावनाएं, कहीं राजनीतिक दल बदलने की संभावनाएं, ऐसे में क्या निर्णय हो सकता है 11 विधानसभाओं पर? देखिए ऐसी चर्चाएं रहती हैं चुनाव से पहले, और टिकट मांगने की सबको हक है, सब लोग टिकट मांग सकते हैं, जिसने पार्टी के लिए काम किया वो टिकट मांगता है, लेकिन टिकट नहीं मिलने पर पार्टी का सहयोग करते हैं ज़्यादातर लोग। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बागी भी हो जाते हैं, जिनका मैं समझता हूं जो पार्टी के प्रति वफादारी उसमें झलकती है। हमारी जो पार्टी है वो एकजुट है, अगर किसी को टिकट नहीं मिलता है तो हम सब लोग बैठ के उसको कोऑर्डिनेट करके उनको मनाएंगे। अभी हमारे काफ़ी बोर्ड और निगम बने हैं जिनके अंदर उन लोगों को एडजस्ट किया जा सकता है, जिनका जिस कैडर का कद है उसी कैडर का उनका माननीय मुख्यमंत्री जी पहले ही कह चुके हैं कि उनको हम मौका देंगे। अभी तक सिर्फ अलवर ग्रामीण की सीट मजबूत मानी जा रही है? देखिए अलवर ग्रामीण सहित सारी मजबूत हैं और हम सारी सीटें जीतेंगे, 11 की 11 जीतेंगे। ये रुझान पूरी जनता का है, जनता देख चुकी है। बीजेपी के टाइम के अंदर कोई काम नहीं हुए, जनता के लिए कोई काम नहीं हुए, यहाँ तक कि भंवर जितेंद्र सिंह जी ने जो अलवर ज़िले के विकास के लिए जो प्रोजेक्ट लेके आए थे वो प्रोजेक्ट भी बीजेपी की सरकार ने रोक दिए। आज प्रताप ऑडिटोरियम आप देखेंगे कितनी शानदार चीज़ बनी है। आज हमारा सचिवालय जो बना है 5 साल पहले शुरू हो सकता था, इन लोगों ने उसको रोक दिया। आज नई कोर्ट की बिल्डिंग हमने वापस अब शुरू कराई है। तो ये ऐतिहासिक काम थे जो कांग्रेस सरकार ने किए थे और जो बहुत पहले पूरे हो जाने चाहिए थे, इन लोगों ने रोका। ESI का मेडिकल कॉलेज इन्होंने रोका, हमारा जो मेडिकल कॉलेज दूसरा आज जो बन रहा है इसको इन लोगों ने रोका, आज वापस हमें शुरू करने पड़े हैं। अब जनता ये जानती है कि ये लोग अगर सत्ता के अंदर वापस आए तो फिर ये जो सौगात अशोक गहलोत जी ने जनता को दी है उसको बंद करने का काम करेंगे।